नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। हुसैनाबाद जपला से हमारे संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। हुसैनाबाद ससमय पंचायत को ODF नहीं करने पर होगी मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त। वीडियो पलामू हुसैनाबाद। हुसैनाबाद प्रखंड के दर्जनों पंचायत में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय निर्माण के कार्य अधूरे हैं। प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में शौचालय निर्माण कार्य अभी तक लगभग 25% ही हुआ है, जबकि हुसैनाबाद प्रखंड क्षेत्र को ODF घोषित करने का समय निर्धारित है। इस संबंध में हुसैनाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रखंड क्षेत्र को सितंबर माह के अंत तक ODF घोषित करने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों पंचायत जिसमें मुख्य रूप से महुवरी, लोटनिया, झरगाड़ा, जमुआ, उर्दवार, डंडिला, बनियाडी, पतरा, खुर्द, पतरा, कुर्मीपुर, कुर्मीपुर, बैराव, ऊपरी कला, कोसी, दरुआ, बेनी सहित कई अन्य पंचायतों में अभी तक शौचालय निर्माण के 25% ही कार्य हो पाया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर ODF घोषित नहीं करने वाले पंचायत के मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने विभाग के वरीय पदाधिकारियों को की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंड कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार व सोशल मोबिलाइजर कुश कुमार प्रखंड मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें और प्रखंड क्षेत्र को ODF घोषित करने में अपना पूर्ण सहयोग दें, अन्यथा बाध होकर उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उन्हें पद मुक्त करने की अनुशंसा विभाग से की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को पूरे जिले को ODF करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें हुसैनाबाद को भी 2 अक्टूबर तक ODF कर देना है। लेकिन चूँकि पूर्व में पिछड़ा हुआ है, कई पंचायतों में लक्ष्य काफ़ी कम बने हुए हैं, तो सभी मुखिया, जनप्रतिनिधि, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए उसका MIS कराना सुनिश्चित करेंगे। जिन पंचायतों में ODF का लक्ष्य मतलब MIS नहीं किया जाएगा, आधार सीडिंग नहीं किया जाएगा, वहाँ पर मुखिया के विरुद्ध वित्तीय शक्ति जब्त करने का अनुशंसा किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हों या अन्य जवाबदेह कर्मी, उन पर भी उनके खिलाफ भी रिपोर्ट की जाएगी। सर, अपना पद नाम और अपना नाम बताएं। लक्ष्मी नारायण किशोर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद। धन्यवाद।